हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है और उससे कुछ दो एग्जांपल है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन बटन। फ्रेंड्स, एक्चुअली एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता क्या है कि अगर आप यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, द हंटर किल द लायन, आप देख सकते हैं किल द लायन, करेक्ट। तो इसको मतलब क्या हुआ कि शिकारी ने शेर का शिकार किया, यहाँ पे किल्ड आया। देखिए आप, यहाँ पे जो वर्ब है उसको ईडी लगाए, तो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है ना। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट ये इसे सब्जेक्ट कहेंगे क्योंकि ये जो हंटर है इसने लायन को मारा, ये ऑब्जेक्ट है। तो एक्शन किसने किया, हंटर ने, किसे मारा है, लायन को। तो पहले एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है उसका उल्टा होता है। जो हंटर है लाइक सब्जेक्ट है आखिरी में आ जाता है। देखो उधर हंटर यहाँ पे आ गया है ना, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था लॉयन ये पहले आ गया, तो लॉयन। सो द हंटर किल्ड द लॉयन का हो जाता है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में द लॉयन वॉज किल्ड बाय द हंटर। तो आप यहाँ चीज नोट कर सकते हो, यहाँ पे हमने वॉज का इस्तेमाल नहीं किया था एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में वॉज का इस्तेमाल किया। तो फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है कि ये ऑलरेडी हमारे पास ये पास्ट टेंस है, तो ये भी पास्ट टेंस ही आएगा। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, जैसे हमने पढ़ा था कि वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। तो ये पास्ट टेंस है तो ऑलरेडी, तो यहाँ पे तो पास्ट आएगा आएगा, लेकिन याद रखिए पैसिव वॉइस में हमेशा हम लोग जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो द लाइन वॉज किल्ड बाय द हंटर। और एक और चीज यहाँ पे एडिशनल होता है, यहाँ पे बाय लगता है, यहाँ पे बाय। तो द हंटर किल्ड द लाइन, तो द लाइन वॉज किल्ड बाय द हंटर। तो इसमें होता क्या है, मतलब अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें ऐसा है कि शिकारी ने शेर का शिकार किया, और यहाँ बोला गया कि जो शेर है वो शिकारी के जरिए मारा गया। ये हो गया पैसिव वॉइस। तो राइटिंग, जब हम राइटिंग करते हैं मतलब इंग्लिश में, तो नोट कीजिए कि अक्सर लोग पैसिव वॉइस ही का इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे देखिए, समवन हैज क्लीन द विंडोज, किसी ने तुम्हें विंडो साफ किया, समवन हैज। अब हमें इसे बनाना है पैसिव वॉइस। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है विंडोज, लास्ट में है ना विंडोज, वो पहला देगा द विंडोज। अभी विंडोज यहाँ पे बहुत सारे विंडोज है, प्लूरल फॉर्म है, यहाँ पे हैव आ गया, और ये समवन का जो हैज था चला गया, क्योंकि वो समवन ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन द विंडोज बहुत सारे, इसलिए हैव आ गया, द विंडोज हैव। अब यहाँ पे देखिए आप, हैज क्लीन जो था ये था, ये था प्रेजेंट परफेक्ट, करेक्ट। आप प्रेजेंट परफेक्ट को का एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस चेंज कर रहे, तो यहाँ पे आ जाएगा द विंडोज हैव बीन क्लीन, यहाँ पे इसका एडिशन हो गया है। जैसे यहाँ पे वॉश आया था ना, वैसे उसी तरह यहाँ पे बीन लगे, यहाँ पे हैव बीन क्लीन। तो द हंटर किल द लायन का था, द लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर। और उसी तरह अगर आपको लिखना है, ये द सिंपल पास्ट टेंस और ये प्रेजेंट परफेक्ट, समवन हैज क्लीन द विंडोज, इसका आ जाएगा द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड। तो इस तरीके से आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हो। तो इतना याद रखिए कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट बाद में, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। इतना याद रखिए आप, और आपको इजी समझ में आएगा। अगर आपको गाइस समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ओके, सो मिलते हैं, बाय, टेक केयर।